बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता के जाने के बाद से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। पड़ोसी देश में कई सारी सियासी गुत्थियां अब सुलझने को बाकी हैं। इधर भारत में बांग्लादेशी हिंदू चर्चा का विषय बन चुके हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर इस तरह की सियासी बातें और दावे किए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले और उनके पलायन की आशंकाएं जाहिर की। इन दावों और सियासी बातों के बीच आइए जानते हैं कि मुस्लिम बहुमूल्य देश बांग्लादेश में हिंदू कितने पावरफुल हैं और शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद कितना असर उनके जीवन पर पड़ सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% के आसपास है, जो अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की तुलना में मुस्लिम बहुमूल्य इस देश में शुरुआत से हिंदुओं का दबदबा रहा। इसकी कई वजह से हैं कि जैसे कि बांग्लादेश में हिंदू सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहे। 2024 में बांग्लादेश में 12 हिंदू सांसद बन चुके हैं, जबकि 2019 में ये संख्या 19 थी। शेख हसीना की सरकार में हिंदू कोटे से 4 मंत्री बनाए गए। इन मंत्रियों के पास स्वास्थ्य, खाद्य और लैंड रिफॉर्म जैसे बड़े विभाग थे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त से ही हिंदू यहाँ पर राजनीति के केंद्र में रहे। खालिदा जिया की पार्टी में भी हिंदुओं की हिस्सेदारी काफ़ी रही। पार्टी के टॉप 15 पोस्ट में एक हिंदू घनश्याम चंद्र रॉय भी शामिल थे। बांग्लादेश के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं की आबादी 20% से ज़्यादा है। ये जिले हैं गोपालगंज, मौलवी बाजार और ठाकुरगांव। इन 3 जिलों में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं में ब्राह्मण और कात्य जातियों की आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है। इन दोनों ही जातियों का प्रशासनिक और जुडिशरी में अच्छी पैठ है। वर्तमान में हिंदू समुदाय के इन दोनों ही जातियों में आने वाले 3 अधिकारी बांग्लादेश में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के उच्च न्यायालयों में भी हिंदू समुदाय के 8 जज कार्यरत हैं। बांग्लादेश की राजनीति को करीब देखने से वाले कुछ कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो काफ़ी मुखर और मजबूत हैं, इसलिए ये कहना है कि सरकार बदलने के बाद भी तुरंत उन पर असर पड़ेगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। व्यापार के क्षेत्र में भी हिंदू बांग्लादेश में काफ़ी मजबूत है। यहाँ के टेक्सटाइल और ट्रांसपोर्टेड के बिजनेस में हिंदुओं का काफ़ी दबदबा है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी बस सर्विस चमोली के मालिक हिंदू हैं। स्टैटिका के मुताबिक बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस 0.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इसी तरह यहाँ टेक्सटाइल का बिजनेस 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास का है। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद सबसे ज़्यादा आशंका इसी बात की जताई जा रही है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर सत्ता और उनसे जुड़े लोगों पर अत्याचार बढ़ेगा। भारत में भी इस बात का सुगबुहार जारी है कि बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तो बड़े स्तर पर हिंदुओं के पलायन की बात भी कही। हिंदुओं का पलायन बांग्लादेश में पहले से ही जारी है। सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी प्लूरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स यानी CDPHR ने 3 साल पहले ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल बरकत के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके मुताबिक पिछले 4 दशक में बांग्लादेश से 2.3 लाख से ज़्यादा लोग हर साल पलायन कर रहे हैं। इन 4 दशक में करीब 2 दशक से ज़्यादा समय तक शेख हसीना की ही सरकार रही। ऐसे में यह साफ हो गया कि बांग्लादेश में हिंदू आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत है। हिंदुओं का पलायन शेख हसीना की सरकार में भी हुआ, जबकि ऐसे में देखने को ये होगा कि आने वाले समय में शेख हसीना के निर्वासन का असर बांग्लादेश के हिंदू आबादी पर कितना पड़ता है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।